गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपके 9th क्लास का 9th चैप्टर है, पार्ट 9 है, और यहाँ हम लोगों को साखियाँ और पद पढ़ना है। तो साखियाँ और पद, सबसे पहले साखियाँ, ये कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साखियां क्या होता है। तो कबीर दास ने जो समाज में हो रहा है, जो व्याप्त हो चुका है, उसको इन साखियों के माध्यम से ही क्या किया है, समझाया है। यानी जो कुछ भी हुआ है समाज में, जो हो चुका है, वो अच्छाई हो बुराई हो, जो कुछ भी हो, जो हुआ है, कबीरदास जी उसी को बताए हैं। वही क्या होता है, साखियां होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। ये इनका जन्म, कबीरदास जी का जन्म जो है, इनके जन्म की कोई गणना नहीं है। इनके जन्म के बारे में बताया जाता है 1398, ये मान लिया गया है कि इनका जन्म जो है 1398 के करीब में हुआ था। और जगह जो है, स्थान जो है, काशी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में। तो हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जाने। इनकी शिक्षा जो है, विशेष इनकी कोई शिक्षा नहीं थी। इनकी शिक्षा जो है, इनके अनुभव से, इनके यात्रा से, सत्संग से, इन्होंने जो अनुभव किया वही इनकी शिक्षा है। इनकी रचना जो है कबीर ग्रंथावली में मिलती है और गुरु ग्रंथ साहब में इनकी रचना मिलती है। साथ ही हम आते हैं इनके स्वभाव के बारे में। तो स्वभाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बड़े ही उदार व्यक्ति थे। क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो उदार होते ही हैं, स्वाभाविक होता है। तो ये उदार थे, निर्भय थे। जो भी समाज में व्याप्त अच्छाई हो बुराई हो, उनका सामना डट कर करते थे, निर्भय रहते थे और सद्गृहस्थ थे। सद्गृहस्थ थे, ये गृहस्थ के स्वभाव को समझते थे, गृहस्थ परिवार से थे। और इनका विश्वास जो था, ईश्वर के प्रति विश्वास हम कर सकते हैं। तो विश्वास इनका राम और रहीम, ये दोनों को एक ही मानते थे। राम और रहीम एक हैं। साथ ही साथ इनका ये कहना था कि राम और रहीम बता करके हम कुछ कर्म कांड करते हैं, कुछ पूजा करते हैं। तो इस तरह के बात को, इस तरह के विश्वास को इन्होंने पाखंड कहा था। अब हम आते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है साखियां। तो साखियां में सबसे पहला जो है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करानी, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, वह मान सरोवर जो है, मान सरोवर का सुभर जल है। अब देखिए मान सरोवर क्या होता है। मान सरोवर है, यह हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर है। ये सरोवर है मान सरोवर, हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हंसा केली कराही, हंस क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और मुक्ता फल मुक्ता चुबे, अब उड़ी अनंत न जाही। उनको अपने में इतना मग्न हो गए हैं वहां पे, वो हंस अपने आप में इतना मग्न हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मोती
चुगने में मग्न हैं, व्यस्त हैं, अब वो वहां से उड़ना नहीं चाहते हैं, वहां से जाना नहीं चाहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि हम कभी कभी किसी कार्य में इतना विलीन हो जाते हैं कि हमें उस कार्य के अलावा दूसरा कार्य अच्छा लगता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चलिए हम अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, तो हमको मन से करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं, अगर हमारा मन गलत काम के तरफ जाता है, तो हमको तुरंत वहां से वापस चले आना चाहिए। ये हंसा के लिए कराही नहीं करना चाहिए, हमें उसी में रमना नहीं चाहिए। दूसरा साखियां जो है कबीर दास का है, ये कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। इन्होंने कहा है कि हम क्या करते हैं, प्रेमी को ढूंढते हैं। यहाँ प्रेमी जो है ईश्वर भक्ति में जो विलीन है उसको कहा गया है। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं आस्तिक लोगों को खोज रहा हूँ, मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन क्या होता है, मुझे प्रेमी मिलते नहीं है, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अगर हमको प्रेमी मिल जाते हैं, कबीरदास क्या कहते हैं कि अगर हमको प्रेमी मिल जाते हैं तो सब विष अमृत होए। जो विष है उसको भी ईश्वर क्या कर देंगे, अमृत में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ एक और सेंस बन रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन प्रेमी नहीं मिल रहा है, और प्रेमी को प्रेमी मिले। प्रेमी किसको मिलेगा, प्रेमी को ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक अच्छे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है, और प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर मैं अच्छा इंसान बन जाऊं तो क्या होगा, मुझे अच्छा इंसान मिल जाएगा, और सब विष अमृत हो, जो क्या करेगा, हमारे दुर्गुणों को दूर कर देगा, और हम उसके दुर्गुणों को दूर कर देंगे। यही ये आप लोगों का 9th class का 9th chapter है, और इसमें अभी 2 साखियां हम आप लोगों को बताए हैं, और ये 3 question आप लोगों को दिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ 3 question हम आप लोगों को दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन जो है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर चूंकि अभी आप लोगों को हम बताए हैं, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, सच्चा प्रेमी कौन सा होता है, ये भी आप लोगों को बताए हैं, और दोनों दोहे का आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों दोहा के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं, इसका आशय बताए हैं, तो ये क्या करना है, आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है, इसको बताना है। चलिए, धन्यवाद।